हाय गाइस, वेलकम बैक टू पायल्स पैशन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाइट और हेल्दी पालक का सूप। दोस्तों, सर्दियों में सूप्स हमारी डाइट का एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं, एंड लेट अस एडमिट हु डज नॉट लाइक सूप्स। और ये सूप ना सिर्फ बहुत ही न्यूट्रिशियस है बल्कि इसके टेस्ट का भी जवाब नहीं। ये रेसिपी आप अपनी कीटो डाइट और बहुत सी वेट लॉस डाइट्स में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। पालक का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पालक, 1 टेबलस्पून बटर, 4 से 6 कलियां लहसुन की, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 2 कप पानी और आधा कप दूध। सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच करना है। ब्लांचिंग का ये प्रोसेस हमें आगे भी कई रेसिपीज में काम आएगा। ब्लांच करने के लिए हम तेज गर्म पानी में पालक डाल देंगे और 1 मिनट तक पालक को गर्म पानी में रहने देंगे, और जरूरी है कि सारी पालक पानी में अच्छे से डिप हो जाए। 1 मिनट के बाद हम पालक को बर्फ के ठंडे पानी में डाल देंगे, इससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इससे पालक का कलर और उसकी पौष्टिकता बरकरार रहेगी। हमें पालक को इस ठंडे पानी में तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ देना है। 2 मिनट बाद हम पालक को पानी में से निकाल देंगे। यहाँ हमारा ब्लांचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे ब्लांच्ड पालक और लहसुन की कलियां। अब हम पालक और लहसुन को ग्राइंड करके इसकी एक महीन प्यूरी बना लेंगे। ग्राइंडिंग के बाद हम एक पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन गरम कर लेंगे। जब मक्खन अच्छे से पिघलने लगे तो हम इसमें ब्लांच्ड पालक और लहसुन की प्यूरी डाल देंगे, और इस प्यूरी को हम मक्खन में तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। प्यूरी को 2 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जब सूप अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध, नमक और काली मिर्च। सीजनिंग को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सूप को 5 मिनट और बॉईल कर लेंगे। हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। हम हीट ऑफ करके इसे एक सूप बोल में पोर कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा इंस्टेंट हेल्दी और न्यूट्रिशियस पालक का सूप। मैंने इसे गार्निश किया है जरा सी क्रीम और क्रश्ड काली मिर्च के साथ। आप चाहें तो अपनी चॉइस की सूप स्टिक्स या गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे मसाला ओट स्टिक्स के साथ सर्व किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।